हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। मॉर्निंग। सब कहाँ है सब लोग? सर कुछ लोग तो ट्रेनिंग में हैं। अच्छा, अरे तुम बड़ा ये चले, तुम पिछले क्लास आप लोग नहीं थे। सुशीला थी क्या पिछले क्लास में? शायद नहीं सर, हम नहीं थे सर। अच्छा, हम सर एक एक ही क्लास के हैं सर। आपका अभी अभी वाला तो आज मेरा दूसरा क्लास है। तो पहला जो क्लास में पढ़ाया तुम लोग किए थे, फिर हम डिस्कस किए थे तुम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि IWDC में हाँ तो नहीं है। हाँ फर्स्ट एक बार जल्दी जल्दी ब्रशअप कर दीजिए ना सर, फर्स्ट क्लास। क्लास का एक्चुअली ये था कि हम कुछ एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है, इनिशियली स्टार्ट किए थे, तो कि तुम लोग वो कि IWD तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फिर वही रिपीट करना है, तो इसलिए सोचा कि तुम लोग को एस्टिमेशन कॉस्टिंग तुम लोग सिलेबस में दिया नहीं है, तो तुम लोग हम पढ़ा दें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या तुम लोग ये आगे प्रोसीड करें? यस ओके, सर, यस तो धारिणी तो ऑलरेडी पढ़ चुकी होगी एस्टिमेशन कॉस्टिंग डिप्लोमा में, सर, यस सर, पढ़े हैं सर। कुछ आइडिया है उसके बारे में? सर मेनली बिल्डिंग का एस्टिमेशन कॉस्टिंग वगैरह ही निकाले थे। थ्योरेटिकल ऐसे नहीं, जैसे आप थ्योरेटिकल दिखा रहे हैं स्क्रीन पर वैसा नहीं पढ़े थे एक्चुअली हम कुछ, बट बैठ के दिखा दे रहे तुम लोग, एक्चुअली नोट्स तुम लोग दे देंगे एक्चुअली, लेकिन बट प्रैक्टिकली एक्चुअली मेन चीज है कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगता है पढ़ने, थ्योरी उसमें तो यस कुछ सर, है नहीं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग वही बिल्डिंग वगैरह का खुद से कैलकुलेट करके, जैसे उसमें पूरा दिया रहता था बुक में, तो वैसे करके बनाया है सर। बिल्डिंग का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकालने के लिए वैसे किए हैं। किसी पार्ट का सिविल इंजीनियरिंग का वर्क होगा, सबका एस्टिमेशन कॉस्टिंग होता है, नॉट ओनली बिल्डिंग। जो भी तुम काम करोगे सर स्कूल का, वो रेलवे हो, रोड हो, ब्रिज हो, हाईवे हो, फ्लाईओवर हो, समथिंग, जो भी समथिंग, जो भी सिविल वर्क होगा सबका एस्टिमेशन कॉस्टिंग सर मेनली हम लोग बिल्डिंग का ही पढ़े हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह का प्लानिंग वगैरह पढ़े हैं, और कुछ नहीं, बार बिल्डिंग शेड्यूल वगैरह उसी में आ जाता था सर। वो तो है। यस फर्स्ट वन इज द व्हाट इज द एस्टिमेशन, कोई डिफिनेशन बताओ, व्हाट इज द एस्टिमेशन एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब स्टार्टिंग ही होता है कि हमारा एस्टिमेशन कितने टाइप का होता है, इज व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, हम लोग किस एस्टिमेशन को ज्यादा प्रीफर करते हैं, विच टाइप ऑफ एस्टिमेशन प्रीफर द वेरी वेरी क्लियरली। तो तुम लोग का टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन यानी किसी को आइडिया है, या व्हाट इज एस्टिमेशन, एस्टिमेशन वैसे जनरली होता है क्या है, कोई बताओ। सर, बिल्डिंग का कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि बिल्डिंग में इतना खर्च आएगा, बनाने से पहले एक आइडिया लगा लेते हैं, रफ आइडिया, दिस इज एस्टिमेशन। जनरली फर्स्ट यू फाइंड द कॉस्ट, नॉट इन द यस सर, कैलकुलेट द मटेरियल इन द यस एस्टिमेशन, सर, ऑल्सो मेटेरियल, फर्स्ट यू फाइंड अ मेटेरियल, हाउ मच मेटेरियल स्पेंड इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर द मेटेरियल देन यू डिसाइड द कॉस्ट, देन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, एनी टाइप्स ऑफ मेटेरियल। सपोज यू टेक द सीमेंट, योर मार्केट प्राइस ऑफ सीमेंट इज ACC इज द 400 समथिंग, ओके, 400 समथिंग, दिस इज द, यू कैलकुलेट द वैल्यू द कॉस्ट ऑफ द स्पेंड इन द स्ट्रक्चर, सपोज इट कॉलम इज अ 5 फीट कॉलम, यू कंस्ट्रक्ट द 5 फीट कॉलम, देन यू फाइनली हाउ मच सीमेंट स्पेंड, हाउ मच सीमेंट स्पेंड इन द 5 फीट कॉलम, सपोज 3 बैग्स, यू हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द सीमेंट, दिस इज द 4 into 3 इज द 1200, बट यू नॉट इन 1200, दिस इज द कॉस्ट, इज द लेबर कॉस्ट, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड,
ओके सो दिस इज द एस्टिमेशन. फर्स्टली यू फाइंड द हाउ मच मटेरियल स्पेंड इन एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर यू देन यू स्टार्ट. सपोज यू स्टार्ट अ फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग यू व्हाट विच यू स्टार्ट फ्रॉम विच टाइप पार्ट्स ऑफ वर्क. बोलो तुम लोग कहाँ से स्टार्ट करो. सपोज यू स्टार्ट अ बिल्डिंग वर्क. वन मिनट. हेलो तो बताओ यस सर कहाँ से स्टार्ट करते हैं. अगर सपोज यू स्टार्ट अ बिल्डिंग वर्क तो तुम लोग कहाँ स्टार्ट करोगे बिल्डिंग का काम. इसमें लिखा हुआ कि इट इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग द वेरियस क्वांटिटीज एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इंक्लूड ऑन ए पार्टिकुलर वर्क या प्रोजेक्ट. दिस इज द कॉल्ड एस्टिमेशन. ठीक है तो फर्स्ट यू कैलकुलेट द various quantity of any types of item. Suppose एक तुमको कॉलम बनाना है तो कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं. सपोज एक कॉलम है विजिबल है ना. yes, एक कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है तो इसमें क्या क्या यूज हो क्या क्या लगेगा. पहले तुम लोग ये चीज reinforcement cement concrete सीमेंट नहीं था एटली कंक्रीट बोलो. सीमेंट तो कंक्रीट का ही पार्ट. यस सर कंक्रीट कंक्रीट वाइब्रेटर. हाँ इसमें जो भी मैन पावर सिर्फ जो भी सब कुछ इसमें ऐड होगा. इसी की पार्ट को हम लोग देखना पड़ता है कि विस टाइप ऑफ आइटम्स इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ कॉलम स्ट्रक्चर एंड मेगा स्ट्रक्चर. तो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं. व्हाट एस्टिमेशन दिस इज द टू टाइप्स ऑफ data required for preparing the estimation. Okay, yeah, this is a very important. This part is the very important. Agar tum koi bhi kaam ko start karte ho, this is the very important.
फर्स्ट इसमें क्या क्या थ्री पार्ट डिवाइडेड इन द थ्री पार्ट्स. ओके डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेशन दिस इज द डिपेंड ऑन द थ्री पार्ट्स फॉर ड्रॉइंग स्पेसिफिकेशन एंड रेट. ओके द ड्रॉइंग इन व्हाट इज द मेंशन या ड्रॉइंग ड्रॉइंग में क्या मेंशन रहता है. ड्रॉइंग में क्या प्लान सेक्शन एलिवेशन और की प्लान डायमेंशन वगैरह सब रहता है सर. और रेइंफोर्समेंट एक्सीक्यूशन यस सर. सो दिस इज द पार्ट ऑफ ड्रॉइंग. तो सेक्शन एलिवेशन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड एलिवेशन. सर सेक्शन उसको बीच से ना हम लोग सेपरेट करते हैं और उसमें पता करते हैं कि कितना रेइनफोर्समेंट है और कैसे कैसे हम लोग उसको एग्जीक्यूट किए हैं, मतलब कितना डेप्थ पे फाउंडेशन गया है और कितना रूप में कितना रेइनफोर्समेंट दिए वगैरह, वो सब ड्राइंग में कट करके उसको, मतलब बिल्डिंग को मेनली बीच से कट करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं. और एलिवेशन सर फ्रंट व्यू होता है. हेलो तो इसमें कोई कट का बताया कैसे कट. सपोज इट दिस अ बीम, इसमें वो सेक्शन कट करना है, हाउ टू कट द सेक्शन, कैसे कट करेंगे, किस टाइप का दिया कोई करके दिखाओगे धारिनी. यस सर. कैसे कट करेंगे एक एक्चुअली जो मास्टर ड्राइंग रहता है ना उसमें एक गिवन रहता है. सपोज दिस टाइप का रहता है, इसमें ये तुमको नीचे दिया रहेगा ऐसे, जो रेइनफोर्समेंट ड्राइंग होता है शो इन दिस टाइप ऐसा ही दिखता है ना. सपोज ये बीम, उसमें ऐसे डॉट डॉट दिया रहता है ऐसे ऐसे ना रहता ना ऐसा. यस सर. ये क्या शो करता है, हमको ये सेक्शन काटना है, सेक्शन ए लिखा है. हाउ टू गेट द सेक्शन, द सेक्शन मींस सेक्शन ए लिखा है तो सपोज ऐसे एक बीम का दिया रहेगा रेइनफोर्समेंट ड्राइंग में इस टाइप, यहाँ लिखा रहता है ड्राइंग में सेक्शन ए ए, सेक्शन ए ए. ठीक है तो इसमें क्या रहता है, ऐसे दिया था 1 2 3 4 5 दिस इज द डेप्थ, इस पे ऑलरेडी गिवन रहता है सेक्शन में, दिस इज द 250. ओके तो दिस इज मास्टर ड्राइंग इन द मींस द मास्टर ड्राइंग दिस टाइप ऑफ आरसी रेइनफोर्समेंट ड्राइंग. Then you see this type of this section A. A A means this is a cut a section. The drawing a section cut kiya. Then you see the section A A. Section A part. This is the section A. All types of detail mentioned in the section A. Okay, depth, width, reinforcement. Means reinforcement detail. This is a cut the asset. This type of seeing the reinforcement. Okay. This is the 16 mm. Okay, asset. रहता है. ओके दिस इज अ टू नंबर्स ऐसा लिखा रहेगा टू, एंड इज अ थ्री
is the sorry c is the 20. Okay, this is the three numbers. इसका मेंशन रहता है एंड इज अ रिंग, जो ये चीज है ये शो करता है रिंग, ठीक है, स्टीरअप, इसमें भी इसमें ऐसा स्टीरअप शो किया रहता है. ओके, तो स्टीरअप मींस द एटम एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर एमएम. ओके, ऐसा ही रहता है ना मेंशन इसमें. यस सर. दिस इज अ सेक्शन. सेक्शन मीन्स किसी भी कट को, आप किसी भी आइटम को कट करो. सपोज ये बीम है, बीम को कट करना, कट किया हुआ सेक्शन, तो सेक्शन, क्योंकि बीम ऐसा दिया रहेगा तो इसमें क्या पता चलेगा इसमें कितना रिइंफोर्समेंट लगा, कितना डायक है, ठीक है. तो दिस इज द पार्ट, दिस इज द प्लान एंड कट द सेक्शन. ओके, एंड दिस इज द 250 mm एंड डेप्थ इज 300 mm. ओके, and that how much reinforcement 16 mm, 20 mm, and is a stirrup 8 mm, either of 200 center center means jo distance iska rahega stirrup ka wo rahega 200 mm. hai na clear? हेलो, समझ में आया इसको तुम लोग को? बताओ इसमें कोई डाउट है? नो सर. नो, हमको तो डाउट है. आप बताए थे कि इतना एमएम का इतना वेट रहता है, पूरा रोड का इतना लेंथ रहता है, कितना लेंथ रहता है, ये सब तुम लोग हमेशा याद रखो. हमको इसका कितना बताए थे, d स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर. यस सर. क्या क्या बोलो फिर से, अच्छे से बोलो ना. वही ना कि रॉड का मतलब वेट. हां वेट कैसे फाइंड करोगे, तो तुम लोग हमेशा ही डेली डेली बोलो. उसका डायमीटर लेंगे मतलब d स्क्वायर by 162 से डिवाइड करेंगे. हाँ ठीक है, तो 20 एमएम का फाइंड करके दिखाओ हमको कितना आएगा. क्या सर? 20 एमएम का, सपोज ये एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना होता है? 12 मीटर सर. 12 मीटर. ओके, तो 12 मीटर लेंथ होता है, ठीक है. तो वो इसका वेट बताओ, तो 20 एमएम का रॉड है, ये 20 एमएम का रॉड है, इसका वेट बताओ कितना होगा. बोलो अमृत, बताओ तुमको बताया था क्लास में, तुम बोला था कि हाँ सर पता चल गया. हमको बताया तो थे सर, पर बहुत दिन हो गया तो भूल गए. वैसे भूलोगे तब कैसे काम चलेगा, इंटरव्यू में ही सब कुछ पूछता है. लोग बताया थे इंटरव्यू क्वेश्चन, ये सब वो लोग जाइए भी कहाँ भी काम करने जाओगे. उससे कितना सर रॉड का प्राइस कित, मतलब अच्छी कितना चट्टी का क्या चट्टी क्या बोलते हैं जो डायमीटर का डायमीटर लिखे हैं 20 mm, तो लिखे हैं 20 mm सर. स्टील का प्राइस, प्राइस तुमको तो रेट तुमसे नहीं पूछ रहे, रेट छोड़ दो ना, तुम सिर्फ इनको वेट पूछ रहे, तुम दाम पे कह जा रही है. वेट बताओ वेट. अच्छा
सर तो 20 mm को वन वन क्या है 170 कितना से बोला को याद नहीं रहता तुम लोग, ये तो छोटा छोटा चीज याद रखो हमेशा। सर मेरे को थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। डी स्क्वायर अपॉन 162 इसका फॉर्मूला होता है वेट निकालने का। दिस इज द डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है केजी पर मीटर। ये हमेशा याद रखो तुम लोग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ वेट निकालो, बताओ इसका कितना होगा 20 mm का। 20 × 20 400 ओके अपॉन 162 डिवाइड करो क्या हमें बताता है कितना है बताओ। 400 डिवाइड बाय 162 2.4। अरे इसको 12 से इनटू कर देंगे ना सर, वही 30 केजी के से कम 29.62 2.4 आएगा कि 46 कुछ है। हाँ वही 469542 ऐसे करके इनटू 12 से गुना मल्टीप्लाई कर दो तो 29.62 आया। 29.62 इतना इसका वेट होगा, इतना तो मतलब 30 केजी अप्रोक्स। हाँ 27 का अच्छा रॉड रहेगा 20 mm का, तो एक रॉड का वेट हो जाएगा 30 केजी 30 केजी आज का। और 20 mm का प्राइस कितना है 800 समथिंग है, 800 रुपया 862 रुपया भी है ठीक है। तो वेट से नहीं मिलता है नहीं, देखो ब्रांड पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो टाटा कंपनी वेट पे नहीं देती है, वो पीस वाइज देती है पर पीस। जिंदल हो गया तुम्हारा वेट पे देता है, तो वेट पे कितना देता है वो सिर्फ ओनली 12 और 16। ओ 10, 12, 16 का जो वेट रहेगा वो वेट पे देता है। पर टाटा का जो रिलेशन निकालते हैं वो तो रेट पे ही ना निकालते हैं। हाँ तो उसको जो भी रेट रहेगा उस इनटू कर देंगे वेट को या पीस को। केजी नहीं वो वेट निकालना सर दूसरा चीज बता रहे हैं। नहीं हम वो दूसरा बता रहे हैं कि ये तुम्हारा है इतना केजी हुआ, ये 8 से 862 मतलब 862 रुपये जो है वो प्राइस है 20 mm का पर पीस। तो हर ब्रांड ये टाटा का जो रेनफोर्समेंट है वो पर पीस देता है, वेट से नहीं देता है। तो 20 mm का रॉड है, जितना पीस तुमको लेना है सपोज 1000 पीस ठीक है, तो तुमको क्या करना है 862 से हो जाएगा ठीक है। बट तुम अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहां पे तुम जब होलसेल से लोगे कहीं से मटेरियल मंगाओगे तो वहां पे जो कंपनी कोई भी परचेस करता है वो परचेस करता है क्या टन से ठीक है, तो वहां पे टन से प्राइस रहता है, कैसे टन कैसे क्विंटल वैसे। तो तुम्हारा जो जिंदल का है सपोज तुम्हारा 6400 पर क्विंटल उसका रहता है वेट, मतलब उसका भी रेट है पर क्विंटल। एक क्विंटल में कितना केजी होता है 100 सर। हाँ 100 केजी। तो 100 केजी तुम जब रेनफोर्समेंट लोगे जिंदल का 12 का या 16 का तो तुम्हारा प्राइस आएगा 6400। तो तुमको जब हम यहाँ 16 का निकालो कितना होगा, 16 mm का बताओ वेट कितना होता है। तो सर वो तो महंगा पड़ा कौन ये 6400 में, अगर 20 mm वाला लेंगे तो तीन ही रॉड आएगा, सस्ता पड़ेगा ना ये। तो 20 mm वाला का 30 के लिए तो एक रॉड का आया ना। पहले सुनो ये तो हम टाटा का रेट बताया है, जो जिंदल का लोग है सपोज 16 mm का छड़ है तो 16 mm का एक बंडल में आता है 50 kg में 5 पीस ठीक है। तो 100 kg में दो बंडल चढ़ता है, इसमें दो बंडल आएगा तुम्हारा ठीक है। तो तुम्हारा 640 रुपए ना वैसे ही, तो वेट से तुमको अच्छा पड़ता है। ऐसे पीस वही लोगे ना जिंदल का है तो 700 समथिंग है, 700 जो भी करंट रेट है आज का रेट। तो 10 पीस से रॉड से क्या होगा सर, मतलब एग्जांपल बता रहे हैं कि तुम आपको मतलब तुमको तो कैलकुलेट करना है ना। तुमको सपोज एक एरिया कोई भी है तुम्हारा, उसमें सपोज एक बीम है, बीम में तुम्हारा लंबा है 20 मीटर ठीक है, इसमें तुम्हारा लग रहा है 30 पीस रॉड लग रहा है, तो 30 पीस रॉड लग रहा है तुमको, इसको वेट कैसे लोग तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 बंडल हो जाएगा। तो 6 बंडल का वेट करोगे कितना 3 क्विंटल, तो 3 क्विंटल आएगा वेट, तो 3 क्विंटल × 6400 मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी तुम रेट अपना कैलकुलेट कर ठीक है। ये सब चीज है।
है तो नोट सब भेज दीजिए इसको, ये लोग भेज देंगे तुम लोग को। ये तो थ्योरी है, लेकिन तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हमको तुमको ये सब सिखाना पड़ेगा तुम लोगों। और सर प्रोजेक्ट का क्या सीन है? तो तुम कर केंद्र में हो ना, कंप्यूटर केंद्र में? क्या टॉपिक तुम लोग को कल तक देना था, तो आज से तुम लोग बात कर लो क्या किस पे तुम लोग करना चाहते हो। अच्छा मेरे को ये बताइए कि जो तीन टॉपिक हम लोग दिए हैं, अब उसका भी बायफर्केट करके टॉपिक देना है? दिस इज द एरिया, जो तुम एरिया चूज किए हो, तो मतलब मान लीजिए ग्रीन बिल्डिंग चूज किए, तो उसमें अब क्या है बायफर्केशन, हमको बताइए। ग्रीन बिल्डिंग वो तो खुद ही टॉपिक है ना सर, टॉपिक है तो ग्रीन बिल्डिंग का टॉपिक हो गया। ग्रीन बिल्डिंग व्हाट व्हाट ग्रीन बिल्डिंग, क्या करो ग्रीन बिल्डिंग को, तुम क्या कर रहे हो उसमें, उसका तो एक टॉपिक डिसाइड करोगे ना कि टू स्टडी द ग्रीन बिल्डिंग या टू कंस्ट्रक्ट टू स्टोरीज ग्रीन बिल्डिंग, इस तरह कुछ करोगे ना तो वो टॉपिक हो गया। हाँ वो टॉपिक ना होगा कि ग्रीन बिल्डिंग इज द एरिया, कि तुम ग्रीन बिल्डिंग क्या, किस टाइप का ग्रीन बिल्डिंग, तुम कितना स्टोरी ग्रीन बना रहे हो, तो कितना 3 BHK का बना रहे हो, 4 BHK का बना रहे हो, मतलब बहुत सारा चीज इसमें एरिया टॉपिक होता है। दिस यू चूज द एरिया ओनली ग्रीन बिल्डिंग, द ग्रीन बिल्डिंग मींस क्या, व्हाट इज द ग्रीन बिल्डिंग, तुम क्या करो ग्रीन बिल्डिंग, तुम उसका कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो, क्या तुम उसका स्टडी कर रहे हो, सर? हम लोग का प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया सर, तो हम लोग आपको, आप 4 बजे तक फ्री हो सकते हैं, एक बार हम लोग आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे। हाँ हाँ फ्री हैं 4 बजे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। तो और बताओ सर, एक्चुअली कल रात को गेस्ट आ गए थे, तो इसीलिए हम लोग कॉल नहीं कर पाए आपको। कोई इशू नहीं है। तो तुम लोग का जो एरिया हो, दिस इज द एरिया, डिसाइड द एरिया, बट यू तुम लोग का जो गाइडलाइंस आया है प्रोजेक्ट के लिए, तो दिस इज योर द एप्लीकेशन बेस्ड, उसमें लिखा होगा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड समथिंग कुछ कुछ। तो तुम चूज कियो ग्रीन बिल्डिंग, तो ग्रीन बिल्डिंग को व्हाट इज द ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग का तुम करना क्या चाहते हो, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो या तुम उसका स्टडी करना चाहते हो, बहुत सारा कुछ उसमें आता है ना। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इश्यूज? नो सर। नो, चलो ठीक है। तो हम लोग का जो बीम है उसका तो सेक्शन बता दिए कैसे ये प्लान रहता है, वो सेक्शन कैसे कट करते हैं, और ये जो तुम्हारा है, तुम जो वेट निकालते हो कुछ भी, ये सब चीज तुम लोग याद रखो हमेशा, ये सब चीज भूलने का चीज नहीं है। तुमसे कहीं भी, अब तुम लोग योर फाइनल ईयर स्टूडेंट, तुमसे कहीं भी कोई भी तुमसे पूछ सकता है। दिस इज द ड्रॉइंग, ही मेंशन दिस इज द 5, दिस इज द प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ओके, डिस्क्रिप्शन, डायमेंशन, योर आर द 5 इज द मेंशन ड्रॉइंग, सारा कुछ ड्रॉइंग में मेंशन रहता है। तो हाउ टू रीड द ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कैसे पढ़ते हो, हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं ड्रॉइंग को, पहला स्टेप क्या है पढ़ने का? सपोज तुम्हारा ये A4 साइज, सॉरी ये A3 साइज का ड्रॉइंग है, ठीक है, हमको कैसे पढ़ेंगे ड्रॉइंग को? सर पहले डायरेक्शन देखते हैं, वो सिंबल ऊपर में शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन सर, नॉर्थ डायरेक्शन, और ड्राइंग को पहले नॉर्थ डायरेक्शन में करके उसको सीधा कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग से रीड करना शुरू करते हैं। जिस एरिया में हो, जहाँ भी जा रहे हो, इंडिया, फॉरेन, जहाँ भी तुमको काम करना है, फॉरेन में काम करना है, तो वहाँ का पहले तुम पता करो डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन है किधर, जिधर नॉर्थ ऐसा उसका जिसका एरो दिया रहेगा, उस एरो में तुम नॉर्थ को इंडिकेट करो, देन तुमको सब पता चल जाएगा कि मेरा कौन किसका कौन सा एरिया कौन सा जगह पे है, मेरा बेडरूम कहाँ पे है, बाथरूम कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, ऑल आर डिटेल्स यू सीन इन द लैंड कार्पेट एरिया फ्रॉम टू हेल्प ऑफ ड्रॉइंग। फर्स्ट स्टेप यू फॉलो द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन अगर समझ गया, देन यू रीड द ड्रॉइंग, देन यू आफ्टर द डायरेक्शन, देन यू नोट, रीड द नोट। यहाँ पे एक ड्रॉइंग में नीचे ने लेफ्ट साइड, राइट साइड में, बॉटम में
ये नोट करके लिखा रहता है, इसमें क्या लिखा रहता है? से ड्राइंग का स्पेसिफिकेशन कितने स्केल पे बना हुआ है और बाकी और डायमेंशंस दिया रहता है सर। हाँ, ये सारा चीज नोट में लिखा है, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है, कौन सा रेन्फोर्समेंट यूज करना है, स्टेटस में कौन सा रेन्फोर्समेंट होगा, सारा डिटेल इसमें तुम्हारा लिखा रहेगा पॉइंट वाइज। ठीक है, सारा जितना डायमेंशन है वो तुमको किसमें, एमएम में लेना है, मीटर में लेना है, फीट में लेना है, इंच में लेना है, वो सारा कुछ इसमें नोट में लिखा रहता है। देन टू आफ्टर द डायरेक्शन देन यू रीड द नोट देन यू स्टार्ट द फिर आर्ट्स ऑफ ड्रॉइंग, फिर तुमको इसका अंदर का स्टार्ट कर। तो दिस इज द प्लान, इसमें रहेगा प्लान कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है। ठीक है, देन उसके बाद तुम्हारा सेक्शन आता है, सेक्शन इन द रेन्फोर्समेंट ड्रॉइंग, एक अलग से ड्रॉइंग आता है, उसमें सिर्फ उसमें भी डायरेक्शन रहता है। ठीक है, बट उसमें ये जो नोट का पार्ट वो भी इसमें तो रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ रेन्फोर्समेंट का डिटेल्स रहता है। ठीक है, तो उसमें तुमको रहेगा बीम का, कॉलम का, सेक्शन, प्लान, वो सब कुछ तुमको रेन्फोर्समेंट ड्रॉइंग मिलेगा। ये तुमको प्लान मिल गया, फिर फाउंडेशन का अलग ड्रॉइंग रहता है, बीम का अलग, कॉलम का अलग, समथिंग हर चीज का पार्ट बाई पार्ट ड्रॉइंग मिलता है। देखो तुम फॉलो करने, इसमें लिखा रहेगा कि यू फॉलो द पार्ट टू ड्रॉइंग, पार्ट थ्री ड्रॉइंग, पार्ट फोर ड्रॉइंग, ऐसे लिखा रहता है, देन यू फॉलो द ड्रॉइंग। दिस इज सेक्शन, एलिवेशन, डायमेंशन, ऑल आर द मेंशन इन द ड्रॉइंग। अगर तुमको ड्रॉइंग पढ़ने आ गया तो तुम यू परफेक्ट सिविल इंजीनियर, अगर तुमको ड्रॉइंग पढ़नी है तो तुम काम नहीं कर सकते, नथिंग, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। एक होता है ड्रॉइंग, सेकेंड इज द बीबीएस। अगर तुमको बीबीएस बनाने आ गया कि बीबीएस कैसे बनाते हैं और ड्राइंग, ये दो टू पार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर। ठीक है, बाकी तो हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिलकर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना मटेरियल लगेगा, बट रेन्फोर्समेंट का जो बीबीएस एंड रीड द ड्राइंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये हम लोग को आता है इज अर परफेक्ट सिविल इंजीनियर, अगर नहीं आता है तो यू आर नॉट सिविल इंजीनियर परफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, देन नाउ, देन नाउ स्टार्ट द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन इंटरनली टू टाइप्स, एक तो जनरल एंड अ डिटेल्ड। ये टू टाइप्स, जनरल मींस द नेचर, क्लास, क्वांटिटी ऑफ द वर्क एंड मटेरियल, दिस इज द डिपेंड ऑन द जनरल स्पेसिफिकेशन। वहां का नेचर क्या है, क्लास क्या है, क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या है एंड द मटेरियल क्या है। अगर तुम सपोज यू वर्क इन द चाईबासा, चाईबासा में कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, यहाँ का नेचर कैसा है, वर्क ऑफ नेचर एंड क्लास, क्लास ऑफ वर्क, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास इज द क्लास। ओके, यू एक्चुअली हम तुम लोग को प्रीवियस क्लासेस डिस्कस पिछले सेमेस्टर में किए थे कि हम लोग कैसे इन्वायरमेंटल प्लान से परमिशन लेते हैं, क्लास ऑफ द वर्क, ग्रेड क्लास, वे क्लास, बी क्लास, सी, समथिंग डिस्कस किए थे ना, कुछ याद है? यस सर। ओके, तो दिस इज द डिपेंड ऑन जनरल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्ड। डिटेल्ड मीन्स हाउ टू यू एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेशन, दिस इज अ क्वांटिटी, proportion, workmanship and method of working, this is the comes under the detailed. Detailed means you any type of item of work you goes to the detailed, how much quantity means how much material, suppose ek foundation hai isme hamara kya kya laga, to you goes to the detailed, matlab hamara kitna kg cement, kitna balu, kitna gitti, कितना वाटर, कितना एडमिक्सर, ये टू ऑल आर द फाइन इन द डिटेल, कितना लग रहा है इसमें, कितना रेनफोर्समेंट, नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट, वेट, इसमें कितना, दिस इज द डिटेल, तुम इसको डिटेल में कर रहे हो। ओके, दिस इज द डिटेल एस्टिमेशन। एनी डाउट? नो सर। ओके सर, कारपेट और एरिया और बिल्डअप एरिया में डिफरेंस थोड़ा सा बता दीजिए ना। बिल्डअप एरिया एंड कारपेट, बिल्डअप एरिया वॉल के साथ होता है, कारपेट एरिया वॉल के बिना। या गुड,
देखो ये सर, तो तुम्हारा वो जो बोलो बोलो। सर वो जो एरिया हम लोग लेते हैं बीच से, मतलब मिडल से जो लेते हैं वॉल के बीच से, वो वाला एरिया क्या होता है सर? वो जो सपोज ये तुम्हारा वॉल है, ठीक है, हाँ, वॉल को 50-50 टाइप डिवाइड करके लेते हैं सर। ये एक वॉल है, तो इसको ये एक तुम्हारा वॉल है, ठीक है, और तुम इसको ले तो यहां से डिस्टेंस से एक्चुअल जो वर्क होता है वो सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक है। यस ये कहाँ पे होता है? नॉट इन द वॉल, वॉल में वर्क नहीं होता सेंटर टू सेंटर, ये होता है तुम्हारा कॉलम टू कॉलम, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन मेथड बोलते हैं। सर, याद आ गया, छोड़ दीजिए सर। याद आ गया ना? तो दिस इज यस द अमृत बोला, कार्पेट एरिया मींस सपोज ये तुम्हारा वॉल है ए, इसका जो अंदर का एरिया होगा वॉल छोड़ के, दिस इज द कार्पेट एरिया, जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा रूम का कार्पेट सर, जितना एरिया। दूर कारपेट बिछा सकते हैं वो कारपेट एरिया, बस जितना बस, दूर में कंस्ट्रक्शन होता है वो बिल्डअप दिस इज द एरिया। बिल्ट अप एरिया। अगर तुम बिल्ट अप एरिया मतलब तुम्हारा ये वॉल का बैक साइड, इस वॉल का बैक साइड, डिस्टेंस इज द बिल्ट अप एरिया। ओके क्लियर? यस सर। ओके, तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन इन डिटेल्ड एंड जनरल, दिस डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, जनरल एंड डिटेल्ड एंड रेट। ओके, थर्ड वन इज द रेट। द रेट मींस द यूनिट रेट ऑफ द ऑल टाइम्स, दिस इज द मैन पावर मशीन मटेरियल्स, दिस इज द डिपेंड ऑन द, ये तो वेरिएबल होता है ना सर? हाँ, तुम कहाँ बोल रहे, दिस इज द यूनिट रेट ऑफ ऑल टाइम्स मीन्स द, आप किस यूनिट पे डिपेंड कर रहे हो। सपोज तुम्हारा रेनफोर्समेंट है, दिस द केजी, ठीक है, तुम्हारा सीमेंट है, दिस इज द पर बैग। ओके, ऐसे फाइन तुम वेट कर सकते हो। द रेट इज द वेरिएबल, दिस इज द लिक मेंशन इधर, यूनिट रेट द ऑल टाइम्स, जिसका जो टाइम्स में यूनिट रेट उसका कौन सा यूनिट से है, उस टाइप का हम रेट कैलकुलेट कर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो। ओके, और नो सर। कुछ इसमें क्वेश्चन कुछ पूछो तुम लोग, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, कि तुमको कुछ समझ में जो नहीं आ रहा है, देन हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर तुम लोग उसी को फिर बोलो सर रिविजन कराइए सर, पूरा रिवाइज कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तुम लोग थोड़ा सा इस पे फोकस करोगे हम सर लोग। रिवाइज के लिए इसीलिए बोले क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया ना, इसीलिए। हाँ हाँ वो तो चीज है, सर और नोट्स लोकेशन भी मतलब नहीं है ना की हमारे प्लान पास। सर, हाँ क्या बोले? लोकेशन लोकेशन मतलब की प्लान, ये यस ना सर, की प्लान, पॉइंट, हाँ लोकेशन मीन्स ठीक कि है टू सर। डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ लोकेशन, तुम्हारा लोकेशन क्या है, एक्चुअली वर्क का जो नेचर है डिपेंड ऑन द लोकेशन। सपोज एक सर तुम एक काम, की प्लान हम लोग बनाते हैं ना ड्राइंग में, तो हम वो पूछ रहे थे नहीं 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 लोकेशन नहीं यहाँ वो पे, नहीं नहीं इन द नहीं सेंस नहीं नो की नो नो प्लान। नो नो, लोकेशन डिफरेंट है, की प्लान डिफरेंट है। की प्लान मींस होता है क्या है, ओके सर, कि तुम्हारा पर डे का प्लान क्या है, यू व्हाट इज द टू यू डेली टू डे डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हो, द फर्स्ट यू स्टार्ट फॉर द की प्लान, तुम्हारा आज का की प्लान क्या है डे टू डे। ओके, विदाउट यू की प्लान नॉट एनी टाइप्स ऑफ वर्क इज कंप्लीट ऑन टाइम। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है तो तुम कैसे करोगे, तुम पहले की प्लान बनाओगे कि हमको आज 20 कॉलम एनी हाउ कास्टिंग कर देना है। अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं रहेगा कि हमारे एक कॉलम में हमको 4 मैन पावर देना है, ठीक है, दिस इज योर की प्लान। ओके एंड लोकेशन, लोकेशन में योर लोकेशन इज वर्किंग नेचर, तुम्हारा लोकेशन क्या है सर सपोज। तो हम, हाँ बोलो। सर हम लोग एक ये बनाते हैं ना ड्राइंग में ही, केवल कि
केवल इस लोकेशन का, जैसे पूरा कॉलोनी बना है बट मेरा स्पेसिफिक घर है तो वो वाला एरिया को हम लोग दिखाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं सर? दिस इज अ लोकेशन।